आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सब भाषाई छूट लैंग्वेज एग्जेम्पशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत में द्वितीय भाषा हेतु किस प्रकार के छूट दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं लैंग्वेज एग्जेम्पशन क्या है, भाषाई छूट क्या है। तो भारत में द्वितीय भाषा हेतु किस प्रकार के छूट दिए गए हैं, सेकेंड लैंग्वेज के जो है एग्जेम्पशन की किस प्रकार की बात की गई है। तो अगर हम इसके अर्थ देखें तो भाषाई छूट का अर्थ है भाषा में छूट, लैंग्वेज में एग्जम्पशन। ठीक, बच्चों को सामाजिक परिवेश के अंतर्गत उनके सीखने के लिए अलग अलग स्तर पर भाषा में छूट प्रदान की गई है। जो है एक बच्चे के जो भी सामाजिक परिवेश है उसके अनुसार उन्हें सीख सकें, इसके लिए जो है अपने भारत में जो है भाषा में विभिन्न प्रकार से आपके जो है छूट प्रदान किए गए हैं। जो राज्य जो है अपने स्तर पर अलग अलग प्रकार से भाषा में छूट देती है, और एक श्रवण बाधित बालक के अधिगम के लिए उसके लर्निंग के लिए जो है भाषाई छूट बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम भाषा छूट की आवश्यकता देखें, नीड ऑफ लैंग्वेज एग्जम्पशन, तो इसमें जो है बौद्धिक क्षमता एवं परिवेश के अनुसार हर राज्यों में विद्यालय ज्ञान प्रदान करने के लिए बच्चों के मातृभाषा तथा अन्य भाषा छूट प्रदान की गई है। ये जो है आपके हर राज्य जो है अपने अपने स्तर पर एक बच्चे के लैंग्वेज में जो है आपका एग्जेप्शन दिया है, वो मातृभाषा और अन्य भाषा की जो बात करते हैं उसमें छूट दिया गया है, जिससे वह अपनी मातृभाषा के आधार पर अन्य भाषा को ग्रहण कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि मदर टंग जो है, मदर भाषा जो है, मातृभाषा हमारे सीखने में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और कोई सा भी भाषा जो सेकेंड लैंग्वेज है वो हम अपने मातृभाषा के आधार पर ही हम जो है द्वितीय भाषा को सीखते हैं। तो इसलिए जो है आपका जो है सीखने में भाषा का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, और इसीलिए जो है एक श्रवण बाधित बच्चों के लिए राज्य स्तर पर जो है भाषा में छूट दिया गया है। इसके साथ श्रवण बाधित के साथ साथ सामान्य बच्चों को भी ये व्यवस्था है जो सेकेंड लैंग्वेज के एग्जेम्पशन में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या निम्नलिखित आवश्यकताएँ हैं, तो प्रादेशिक भाषा एवं मातृभाषा में सीखने पर बच्चे जो है अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर मान लीजिए एक बच्चे को हम प्रादेशिक भाषा या उसके मातृभाषा के आधार पर अगर हम किसी चीज़ को सिखाते हैं तो वो ज्ञान को बहुत ही जल्दी और अधिक मात्रा में जो है वो चीज़ को सीखते हैं। तो इसके लिए जो है आपका लैंग्वेज एग्जम्पशन जरूरी है, भाषाई छूट जरूरी है। अगर हम और बात करें इसकी, तो जो है आपके मातृभाषा एवं प्रादेशिक भाषा के आधार पर अन्य भाषा को सीख सकेंगे। जो है कोई भी बालक और व्यक्ति जो है अपनी मातृभाषा प्रादेशिक भाषा के आधार पर ही वो अन्य भाषा को सीखते हैं, इसलिए लैंग्वेज एग्जेम्पशन जो है बहुत ही आवश्यक है, भाषाई छूट जो है बहुत ही आवश्यक है, और इसलिए जो है भाषाई छूट की आवश्यकता पड़ती है। अधिक से अधिक भाषा को प्राप्त कर जो है अन्य भाषाओं के ज्ञान के लिए जो है प्रयोग करने में जो है समर्थ बन सकेंगे। अगर हम एक बच्चे के लैंग्वेज एग्जेम्पशन देंगे तो वो जो है अधिक से अधिक भाषा को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि जैसे हो गया हिंदी हो गया, जैसे अगर मान लो उसकी मातृभाषा भोजपुरी है, भोजपुरी के आधार पर जो है वो हिंदी सीख लेगा, हिंदी के आधार पर वो इंग्लिश सीखेगा, फ्रेंच सीखेगा, अन्य प्रकार के जो है भाषाएँ वो सीखेगा, और जो अन्य विषय हैं उन विषयों का ज्ञान जो है वो प्राप्त करके जो है उसका प्रयोग करने में एक समर्थ बन सकेगा। तो इसलिए जो है लैंग्वेज एग्जेम्पशन बहुत ही ज़रूरी है, भाषाई छूट जो है बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो सामान्य बालक हो या आपका डिसेबल बालक है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आपका लैंग्वेज एग्जेम्पशन की एक नीड है। अगर हम नेचर की बात करें, भाषाई छूट की अगर हम जो है नेचर की बात करें,
तो इसमें जो है अगर हम देखें माध्यमिक शिक्षा अगर हम आयोग के तरफ से हम देखें तो इसमें बताया गया है कि आपके 6 से 8 तक की जो कक्षाओं में प्रत्येक छात्र को कम से कम 2 भाषाएं सिखाई जानी चाहिए। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो है अपना एक निर्णय है, एक अपना कंसेप्ट दिया गया है कि जो 6 से 8 जो क्लास के जो बच्चे हैं उनको 2 भाषाएं कम से कम सिखानी चाहिए। और इसमें बताया गया कि अंग्रेजी और हिंदी की जो है शिक्षा जूनियर स्तर पर प्रदान करनी चाहिए और राज्य सरकार ये देती भी हैं। और इसी प्रणाली को हमारे एक हियरिंग इम्पेयरमेंट बालक भी प्राप्त करते हैं, एक सामान्य बालक भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें हायर सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो हायर सेकेंडरी में जो है स्तर पर जो है कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए। इसमें एक मातृभाषा होगा और दूसरी जो है आपका क्षेत्रीय भाषा है। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा जो है सुझाव दिया गया है। तो उच्च प्राथमिक में भी आपके जो है कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए और जिसमें एक मातृभाषा होगा और दूसरी क्षेत्रीय भाषा होगा। तो ये जो है आपका जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो है अपना कंसेप्ट था। अगर हम कोठारी आयोग का अगर हम देखें कंसेप्ट तो इसमें जो है इनके द्वारा ये कहा गया है कि निम्न प्राथमिक मतलब 1 से 4 तक के जो क्लासेस हैं उनमें एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में हो। मतलब कि जो भी उनकी हम पठन पाठन कराएंगे उनके जो सिलेबस या पाठ्यक्रम जो पढ़ाएंगे 1 से 4 तक का वो जो है मातृभाषा में होना चाहिए या तो क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो उनके जो उच्च प्राथमिक की अगर हम बात करें 5 से 7 तक के तो इसमें 2 भाषाएं जो है 2 भाषाएं आपके मातृभाषा या जो है प्रादेशिक भाषा दूसरी हिंदी या अंग्रेजी इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। 2 मातृभाषाएं भी ले सकते हैं या प्रादेशिक भाषा भी ले सकते हैं और दूसरा हिंदी या अंग्रेजी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके के जो है आप जो है भाषा का जो है समन्वय करके भाषा का जो है आप एग्जामिनेशन देकर आप इस तरीके के चीज़ों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें निम्न माध्यमिक में अगर हम देखें 8 से 10 तक के तो 3 भाषाएं होनी चाहिए। और यही कारण कि होता भी है कि जो आप देख सकते हैं कि हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, संस्कृत बहुत सारे लोग लेते हैं, उर्दू लेते हैं। तो इस प्रकार के जो है आपके 8 से 10 तक के जो है ये जो व्यवस्थाएँ कोठारी आयोग द्वारा दी गई है। अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में सामान्यता निम्नलिखित भाषाएं होनी चाहिए, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र जहाँ है वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए तो एक तो मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें तो उच्च या निम्न स्तर पर हिंदी भाषा होना चाहिए। फिर अगर हम तीसरी बात करें तो उच्च या निम्न स्तर पर अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। तो ये 3 इस तरीके के जो है व्यवस्थाएँ हिंदी आपके क्षेत्रीय जो भाषाएँ हैं उनमें जो है ये सारी चीज़ें बताया गया है कि एक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होना चाहिए, उच्च या निम्न स्तर पर जो हिंदी भाषा या आपका अंग्रेजी भाषा हो सकता है। अगर हम हिंदी भाषा क्षेत्रों के समानता अन्य अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो और भी संदर्भ में हम इसको देख सकते हैं कि और किस तरीके से हम समन्वय जो है स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें कहेंगे एक मातृभाषा या अंग्रेजी भाषा होना चाहिए ये चीज़ें। उसके बाद जो है आपका अंग्रेजी जिसमें हिंदी यदि अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में की गई हो तो अगर मान लो उसको अंग्रेजी मातृभाषा है तो उसको हिंदी देना चाहिए, हिंदी है तो अंग्रेजी देना चाहिए। तो इस तरीके से इसके अलावा कह रहा है कि हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भाषा हम ले सकते हैं जैसे कि फ्रेंच हो गया, चाइनीज हो गया, इस प्रकार के अलग अलग लैंग्वेज जो है आप देख सकते हैं कि CBSE बोर्ड के जो स्कूल है उसमें पढ़ाए जाते हैं। खैर हिंदी बोर्ड के जो स्कूल है उसमें तो इतने फॉलो नहीं हो पाते हैं लेकिन ये कोठारी आयोग का इस तरीके से जो है अपना कंसेप्ट है। तो अब यहाँ पर जो है अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे जो लैंग्वेज एग्जम्पशन है तो कह रहा है कि शैक्षिक द्विभाषिकों ने विशेष शिक्षा में जो है भाषा छूट पर जो है विचार किया कि एक श्रवण बाधित बच्चा यदि अपने मातृभाषा को सीखे तो जल्दी ही वह ग्रहण कर लेता है। तो मतलब ऐसा बताया गया है कि एक बच्चे की जो मातृभाषा है अगर हियरिंग इम्प्रूवमेंट की हम बात करें तो अगर हियरिंग इम्प्रूवमेंट की अगर हम भाषाई छूट दें उसे अगर उसे मातृभाषा के आधार पर अगर हम उसे सिखाएं तो दूसरी भाषा भी इजीली सीख लेता है। तो ये चीज़ें हैं जो हैं यहाँ पर
इस तरीके से जो है हम एक श्रवण बाधित बच्चे को हम इस तरह सिखा सकते हैं, ठीक, ग्रहण कर लेता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि एक श्रवण बाधित बच्चे में जो भाषा की जो कमी की वजह से वो क्या कर सकता है कि वो चीज़ सीख नहीं पाता है, ठीक। तो अब मान लीजिए, जैसे कि उदाहरण मैं दूँ कि मान लीजिए एक सामान्य बच्चा है जो हिंदी भाषी हो और उसकी मातृभाषा हिंदी है, तो उसे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश अगर हम उसे कराते हैं तो वो कैसे सीखेगा, उसके लिए थोड़ी सी समस्या है, ठीक, कि अगर वो हिंदी भाषी है और उसकी मातृभाषा हिंदी है तो अगर उसे अंग्रेजी मीडियम के अगर हम विद्यालय में प्रवेश कराएंगे तो वह जो है कैसे सीखेगा, तो ये एक समस्या है। उसी तरह से कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ भी इस तरीके की समस्या है। जब बच्चा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वह अंग्रेजी भाषा को जो है ग्रहण नहीं कर पाता है, उसे जो है सीखता ज़रूर है। मतलब एक होता है कि एक नेचुरली तरीके से एक्वायर करना होता है, एक होता है लर्निंग। तो अगर एक हिंदी भाषा के बालक है अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में अगर हम उसको पढ़ा रहे हैं तो वो क्या करता है कि उसको लर्निंग करता है, वो एक्वायर नहीं करता। एक्वायर तो वो अपना मदर टंग है उसको एक्वायर करता है, ठीक। उसी तरह से अगर यदि बच्चे को मातृभाषा के आधार पर अगर हम दूसरी भाषा उसको सिखाएं तो वो जल्दी ही वो चीज़ को सीख सकता है। तो श्रवण बाधित बच्चों के साथ भी इसी प्रकार से जो है होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर उसे साइन लैंग्वेज है, इसी प्रकार अगर हम श्रवण लैंग्वेज की बात करें, बच्चे की बात करें, तो सांकेतिक भाषा के आधार पर हमें उसे दूसरी भाषा जो है सिखाया जाए तो वो बहुत आसानी से और जल्दी सीख लेता है। और पहली भाषा के आधार पर हम दूसरी भाषा को देखा जाए तो एक श्रवण बाधित बालक के लिए जो है इस प्रकार से जो है उसकी भाषा दूसरी भाषा सीखता है। वो किस प्रकार से सीखता है तो आप यहाँ देख सकते हैं जो टेबल के माध्यम से। तो एक जगह कह रहा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन कह रहा है कि वो भाषा का अर्जन करता है, और एक जगह लर्निंग जो करता है। तो वहीं मैं अभी बता रहा है कि जो आपका मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उसको हम एक्विजिशन करते हैं, लेकिन जो हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं उसको हम लर्निंग करते हैं। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो अगर L1 जो है आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज है, L1 का मतलब यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज, वो तेज़ी से ग्रहण करता है, और L2 जो है सेकेंड लैंग्वेज, वो क्रम से जो आपका सीखता है। अगर उसी तरह से अगर हम और भी बात करें तो L1 जो है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन है, वो प्रयत्न की अभ्यास नहीं पड़ती है। मतलब इसमें एक बच्चे को प्रयास करने का जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें आपका सेकेंड लैंग्वेज में बहुत ही काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका हिंदी है, मदर टंग है, तो आप अपने मम्मी पापा या घर परिवार के माध्यम से उसको सीख लेते हैं, लेकिन वहीं आपको इंग्लिश अगर वहाँ पर सीखना हो तो हमें बहुत सारे चीज़ों को प्रयास करना पड़ता है, तब जाके हम इंग्लिश भाषा सीख पाते हैं। उसी तरह से अगर हम लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें तो बच्चे अपने आप सीख लेते हैं, ये नेचुरली एक्वायर करते हैं, लेकिन जो आपका यहाँ पर है, हम सेकेंड लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज लर्निंग की बात करें, तो इसमें पूरी प्लानिंग और योजना के साथ जो है एक बच्चे को जो है सिखाया जाता है, तो तब जाके वो लैंग्वेज लर्निंग करता है। तो इस तरीके से है, अगर हम प्रथम भाषा के आधार पर अगर हम दूसरी भाषा को सिखाने के लाभ अगर हम देखें तो उसके लाभ क्या है कि एक श्रवण बाधित बालक जो है वो आपका संप्रेषण में जो है उसकी संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि जब उसको हम प्रथम लैंग्वेज उसका मदर टंग क्या होगा, साइन लैंग्वेज होगा, उसके आधार पर जब हम उसको अदर लैंग्वेज हम सिखाएंगे तो वो जो है उसे आत्मविश्वास होगा और उसे एक संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि आप अमूमन ये भी देखते हैं कि श्रवण बाधित के साथ अगर आप बोल कर आप जब उससे बात करते हैं तो वो जल्दी उसको लाइक नहीं करता है, लेकिन वहीं साइन लैंग्वेज अगर आप बात करते हैं और उसके आधार पर अगर उसे कुछ सिखा रहे हैं तो उसको बहुत ही आसानी से सीखता है, ध्यान देता है। दूसरी भाषा को सिखाने का जो है एक आधार भी प्राप्त होता है आपका जो है प्रथम लैंग्वेज। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम इसके अलावा और भी अगर हम इसके लाभ देखें तो इससे जो है साक्षरता का आपका जो है विकास होता है, ज्ञान को प्राप्त कर जो है शैक्षिक विकास होगा, इस प्रकार से संज्ञानात्मक भी उसका विकास होगा, सामाजिक और जो है भावनात्मक विकास होगा। तो इस प्रकार से जो है एक बालक का जो है आपका ये लैंग्वेज एग्जिबिशन जो है उसको अलग अलग राज्यों के माध्यम से विभिन्न स्तर पर दिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो है लैंग्वेज के एग्जिबिशन के जो है हम लोगों ने कंसेप्ट देखा, हम लोगों ने उसके जो है मीनिंग देखा, उसके नीड देखा, उसके नेचर देखा और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।